हेलो एंड वेलकम टू नेक्स्ट एपिसोड ऑफ बैटलफील्ड 5 और हमारी सेकंड वार स्टोरी को हम लोग कंटिन्यू करेंगे और अपेरेंटली ये लास्ट एपिसोड होगी हमारी इस वार स्टोरी की। तो अब तक हमने एस्ट्रिड को रेस्क्यू किया था उस फैसिलिटी से और उस दौरान हमें इन्फॉर्मेशन भी मिली कि शिपमेंट्स वगैरह हैवी वाटर की कब जर्मनी के लिए रवाना होंगी और किस लोकेशन से होंगी। तो एस्ट्रिड तो बच नहीं सकी, वो हमारे साथ एस्केप नहीं कर सकी, बट हमें उसने एस्केप करवा दिया ब्रिज से फेंक के ऑफ कोर्स, बट फिर भी एस्केप ही कहूँगा मैं इसे। तो अब हमारा काम है कि चल के उन फैसिलिटीज़ में से जो शिपमेंट्स हैं हैवी वाटर की उनको डिस्ट्रॉय करें। तो शुरू करते हैं आज की एपिसोड। सो तीन ऑब्जेक्टिव्स हैं हमारी। मैं ज़रा शुरू में चुप इसलिए था कि मैंने कहा शायद कोई डायलॉग वगैरह ना हो, लेकिन सबसे पहले हम लोगों ने जाना है वहाँ नीचे डिपो पे, उसके बाद जाएंगे उस साइड विलेज, इन्फॉर्मेशन डिस्ट्रॉय करेंगे और लास्ट में वहाँ पे जो डॉक लैंड है वहाँ पे जाके रिमेनिंग शिपमेंट्स को डिस्ट्रॉय करेंगे। ये क्या है? नाइस, अच्छा है, काम आएगा। यहाँ पर कुछ नहीं है, चलो फिर चला जाए। नाइस, ओ बॉय, मे बी हम लोग बिना डॉक में घुसे ही अपनी ऑब्जेक्टिव पूरी कर लेंगे। ये जो हमने रॉकेट लॉन्चर पिक किया है, वेल देखते हैं क्या होता है। क्योंकि अलर्ट तो सब हो ही जाएंगे। De laster tungtvannet over lastebilene. Jeg må sørge for at ingen lastebiler drar herfra. मैंने सोचा कि ऊपर से ज़्यादा बेहतर रहेगा। निकालते हैं ये तारा बम और नाइस। उन्हें पता लग गया है जैसा कि मुझे लग रहा था, लेकिन बस हम भाग सकते हैं यहाँ से। हमारी यहाँ पर जो ऑब्जेक्टिव थी वो पूरी हो चुकी। चल भाई निकला जाए फौरन से, ढूंढते रहो, अलार्म बजाते रहो, जो मर्जी करो। बाय बाय टाटा। नाइस, ये अच्छा है वैसे। ओ क्या वो आगे एनिमी है, मुझे पता नहीं है लेकिन लगा मुझे ऐसा। वो एनिमी नहीं था लेकिन यहाँ एनिमीज थे ज़रूर, बट अनफॉर्चुनेटली मेरे पास कोई भी साइलेंस वेपन नहीं है। अबे और एनिमी भी तीन है। ठीक है, आई होप किसी और ने नहीं सुना इर्द गिर्द। कोई वेपन, ये चीज, ये अबे बट ये तो सप्रेस क्या यार, ग्रेनेड लॉन्चर है ये तो। मैं समझा कोई बोल्ट एक्शन होगी, बट मुझे नहीं चाहिए ये। ओके, थोड़ी सी जो है वो खुशी आई फील हुई थी, लेकिन थोड़ी देर के लिए थी वो बस। पक्की बात है कोई और वेपन नहीं है। चलो जो फिर है उसी से काम चलाना पड़ेगा। तो ऑलमोस्ट हम लोग पहुंच चुके हैं विलेज के करीब। अब देखा जाए कि यहाँ पे जिस बिल्डिंग में वो इन्फॉर्मेशन है वो कौन सी है। Rapporten nevnte noe med et rødt hus og en metalldør vendt mot havet. All right. Town ke center mein hi hai. To mere khayal se koshish karenge ki jitna ho sake hum log sneak karte hue enemies ko thikane lagaye apne raste se.
ठीक है, एक एनिमी दिख रहा है मुझे। ओह हेलो, ओह इसने लाश देख लिया, तो ये यकीनन अब चेक करने आएगा या हम लोग पहले ही पीछे से जाके मार दें। Dokumentene nevnte noe om under bakken. Vi Chalo, achhi baat hai, alarm disable ho gaya. Hello? Oh, enemies hain. Okay. We are good. Den metalluken. और मेरे ख्याल से हमने जाना भी नहीं चाहिए। Nice. Det her, चलो। Jeg må ødelegge alt. ये भी गया। What? ये कैसे पता चला इनको? ये क्या बात हुई? मैंने तो कुछ किया भी नहीं था, बट कोई बात नहीं, जो भी है निकला जाए यहाँ से टाइम से। लगे रहो सालो तुम। नाइस, अच्छा है, तेजी से काम हो गए दोनों। तीसरी ऑब्जेक्टिव और फाइनल ऑब्जेक्टिव हमारी। अबे सालो मत मारो मुझे, वेट अ सेकंड, कैसे फायर कर रहे हैं ये इतना दूर? सुकून नहीं है इनको, बट मेरे ख्याल से अब हम फायरिंग रेंज से बाहर हैं उनकी। यार कोई साइलेंस वेपन होता तो मज़ा आ जाता, बट कोई बात नहीं, जो भी है काम चलाएंगे हम इसी से। तो मैं ज़रा घूम के दूसरी तरफ जा रहा हूँ। Der er Kain. Tyskerne oppe var det tomt vannet der. Easy, easy, easy. हाँ ठीक है, नहीं देखा। तो पहले मैं जाना चाह रहा हूँ उस तरफ, क्योंकि मेरे ख्याल से वहाँ पे अलार्म है। या आई एम नॉट श्योर। ओके चलते हैं यहीं। देखी जाएगी। क्या तू व्यू एंजॉय कर रहा है, मर जा टाइम से। ठीक है। ओह शिट, मेरे पास, ओह नो, वेट 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 वेट, मेरी तरफ मत देखना। नाइस, मुझे ऐसे लगा कि इस साइड पे भी कोई मूव कर रहा है नीचे। पर मे बी, वेट अ सेकेंड, कोई और है यहाँ पर। मुझे लग रहा है यहाँ पे जिसने मुझे देखा था ना, वो उस एरिया को चेक करने के लिए गया हुआ। ठीक है खैर है, हम अभी डिटेक्ट नहीं हुए। वेरी नाइस, तो जिसने हमें नीचे से देखा था उसे ऊपर आना चाहिए। ये चाहिए, ये काम आएगा। और ये क्या है, क्या ये साइलेंस्ड है? नहीं, मुझे लगता है कि ये साइलेंस्ड है। वेट 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 वेट, अबे यार ठीक है। और यहाँ पे कुछ काम का, हाय कैसी नींद
चैट। मैं बोल कम रहा था क्योंकि मैं फोकस कर रहा था जरा एनिमीज पे कि कौन कहां से आने की कोशिश कर रहा है। बच गया अलार्म। बट बहरहाल अब जब इतना कुछ हो ही गया है तो फिर डिस्ट्रॉय करना शुरू करें, क्योंकि मैंने इस एरिया को डिस्ट्रॉय अभी तक इसलिए नहीं किया था क्योंकि मैं चाह रहा था कि दोनों जगहें मैं एक ही जगह पे ही डिस्ट्रॉय कर लूँ, मतलब एक ही टाइम पे, जैसे कि ये स्टिकी मोम मैंने एक लगा दिया, दूसरे में जाके लगाता और फिर एक ही बार डिस्ट्रॉय करता उनको। बट नहीं हुआ ऐसा, तो नहीं हुआ, देखी के जाएगी बस अब। ओके यहाँ से कोई ऊपर जाने का रास्ता, हाँ ठीक है लड़ रहा है। ओह शिट बाय। ठीक है लग गया दोनों पे और कम देवर आला। किधर तो अलार्म ब्रिज जाने जा रहा है। ओके तो ये फाइनल। ओके तो अभी एक और लोकेशन है जहां पे फाइनल शिपमेंट मौजूद है और बुरी बात यह है कि सारी फोर्सेस उस बंकर को सिक्योर करने के लिए पहुंच रही हैं। ओके कोई बात नहीं, तेज़ी से हम भी पहुंच जाएंगे और इससे पहले कि वो ज़्यादा सिक्योर करें उस चीज़ को हम या जाके डिस्ट्रॉय कर लें। बस पहुंच गए ऑलमोस्ट। वेल जैसा कि मैंने बोला कि अगर कोई साइलेंस लॉन्ग रेंज वेपन होती तो बहुत बहुत फ़ायदा हो जाता, लॉन्ग रेंज ना भी होती कोई असॉल्ट राइफल टाइप की चीज़ या DMR ही हो जाती तो हम गुजारा कर लेते, लेकिन इट्स ऑल राइट इट्स डन। अलार्म बजा, लेकिन हमें वैसे भी इन्फोर्समेंट्स को तो फाइट नहीं करनी पड़ी ना, तो इतना मसला नहीं है। प्रॉब्लम हमें तब बहुत ज़्यादा होती जब हम जो हैवी ट्रूप्स आते हैं अलार्म सुन के उनसे फाइट करनी पड़ती हमें। ओके तो हमारे थ्रोइंग नाइफ ही काम आएंगे, तो ये बंकर का दरवाज़ा बंद है। ओके तकरीबन 42 मीटर आगे हमने जाना है। क्या ये साइलेंस्ड है? ना। वेट 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 वेट। अबे यार किधर है? ओके नाइस, आई गेस एक और होना चाहिए आवाजों के हिसाब से। ओके एक और है स्टिल। आर वी गुड? Are we good? ठीक तो ये एंट्रेंस रही। ऑलराइट ठीक है कुछ नहीं है, चलें फिर। ओह वो रही। Ryssarna lagade för oss. Eller britterna. Det är maktigt.
Du kan ødelegge oss alle. Hallo? Verdammt! De sind hier! Oh, oh no! Oh! Oh! Very nice! Oh no! ये लोग निकलने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ भाई, एक कमांडो को मारना इतना ज़रूरी नहीं है जितना उस शिपमेंट को सेव करना है। ऑलराइट, ऑलराइट, आई एम मूविंग। ओके, ये कहाँ से आ रहे हैं? अबे साले, सुकून से जाने दो। ओ ओ शिट, व्हाट, दो ट्रक्स हैं। ओके, तो मजीद अब इन दो ट्रक्स को डिस्ट्रॉय करना है हम लोगों ने। अबे यार, मुझे थोड़ा सा दूर उतर जाना चाहिए था। व्हीकल की आवाज़ सुन के वो लोग अलर्ट हो गए हैं सारे। नाइस, मुझे लग रहा था बैरल से एक ट्रक डिस्ट्रॉय हो जाएगा। सीधा अपने काम करते हैं बस। ये क्या बात हुई? ये नाइस। ओह नो, मुझे कोई चीज़ चाहिए जिससे मैं ट्रक को डिस्ट्रॉय कर सकूं। यहाँ पे कोई बैरल्स वगैरह भी नहीं है। यहाँ पे कुछ ना एक्सप्लोसिव्स, क्या ये मशीन गन काम आएगी? नहीं, ये रहे। अबे नहीं 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 नहीं, क्या कर रही है? हाँ ठीक है, बस हो गया काम हमारा। वेरी नाइस, अच्छा अपनी अम्मा जी को बचाना है। अब थोड़ी सी हेल्थ रिकवर हो जाए तो। व्हाट, वाओ, एक के बाद एक चीज़ें होती जा रही हैं, होती जा रही हैं। ओह नो नो, अभी तक कब्जे में है वो उनके, और शिपमेंट भी। सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब है, बहुत ज़्यादा ख़राब है सिचुएशन। ये अकेली है और हर किसी को इसकी लोकेशन का पता है। शेड, नो, ओ ओ, लग गई। ओबे यार, ये भी पकड़ी गई। What the hell man? ये तो ऑपरेशन की ऐसी तैसी फिर गई। अबे यार, ये म्यूजिक नहीं सुनना मुझे प्लीज, ऐसे टाइम पे नहीं। ओ मैन, हाथ में कर रहे। ओ ओके ओके, मुझे पता ये क्या करने वाली है। यस, इसके हाथ में ग्रेनेड है और ये यूज करने वाली है। परवाह नहीं है उसे कि ये इसकी अपनी जान जाएगी या नहीं। या कर दिया एक्टिवेट। ओके शिट, चलो शिपमेंट डिस्ट्रॉय हो गई, लेफ्टिनेंट भी मारा गया।
बट साथ में यस, ये नहीं पता कि सोल्वे जिंदा है या नहीं, बट मुझे लगता है कि वो भी कहाँ बची होगी। सोल्जर्स सारे तो ग्रेनेड की रेंज में नहीं थे और वो भी गन पॉइंट पे ही थी। यार ये म्यूजिक नहीं सुनना मुझे, मैं बोल रहा था ना कि, बट मुझे इतना ये नहीं था पता कि ये इमोशनली कोई हैप्पी एंडिंग नहीं आएगी जिस तरह आपसे हमारी पहली बार स्टोरी में आई थी। बट बहरहाल जैसा कि यहाँ पे बोल रहे हैं वो कि प्रोग्राम डिस्ट्रॉय कर दिया गया था ब्रिटिश कमांडोज की तरफ से, जो कि रियलिटी में हुआ था। बहरहाल हिला के रख दिया दिमाग को इस एंडिंग ने, जो भी एंडिंग थी इमोशनली और जिस टाइप की सेक्रीफाइस दिखाई गई। बट बहरहाल अगली एपिसोड में हम लोग स्टार्ट करेंगे हमारी जो तीसरी वार स्टोरी है और देखेंगे कि उसमें हमें क्या देखने को मिलता है और उसमें एक्ट ऑफ हीरोइज्म या इमोशनली कौन से स्टेप लिए जाएंगे। बहरहाल मुझे बताइएगा कि ये वार स्टोरी या ये एपिसोड आप लोगों को कैसी लगी और मैं मिलूँगा नेक्स्ट एपिसोड में अपने नेक्स्ट वार स्टोरी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।